दुकानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुबरा मौसम में कोविड 19 के पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या 42 हो चुकी है और काफ़ी मुबरा मौसम में हो हल्ला मचाया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। सिर्फ मुबरा मौसम ही नहीं, बाहर भी इन सब बातों को लेकर के काफ़ी उछाला जा रहा है। तो कोविड 19 के लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते फिलहाल पूरे मुबरा मौसम में क्या हालात है, प्रशासन की तरफ से इस पर क्या उपाय योजना की जा रही है, मनपा का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक विभाग इस पर मिलकर के कैसे काम कर रहा है और लोगों ने इस पर अभी आगे क्या खबरदारी बरतनी चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए, इन तमाम पॉइंट्स पर, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे हमारे मनपा के जोन 1 के उपायुक्त जिनके अधीन कलवा, मुबरा कौसा, दीवा ये तमाम क्षेत्र आते हैं, मनीष जोशी साहब। तो मनीष जोशी जी से बात करते हुए इन तमाम चीजों का खुलासा आपके सामने आएगा। जोशी साहब, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मुबरा कौसा में कल 26 तारीख तक कोविड 19 के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 42 हो गई थी। काफी मीडिया में भी हो हल्ला हो रहा है, थाने मनपा क्षेत्र में जो है मुबरा कौसा नंबर 1 पर कहलाया जा रहा है, लेकिन जो क्योर्ड और पॉजिटिव है उनके ऊपर इतना मतलब कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये जो विरोधाभास की एक तस्वीर है, सोशल डिस्टेंसिंग का एक प्रॉब्लम मुबरा में बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मार्केट टाइमिंग्स के अंदर भीड़ लगाई जा रही है, क्या आप इस पर कहेंगे तमाम इन चीज़ों पर? देखिए, पूरे थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में कल रात तक टोटल केसेस थे 226 और उसमें हमारे मुबरा कौसा भाग के केसेस थे 42। मैं मानता हूँ कि मुबरा कौसा एरिया का जो पॉजिटिव पेशेंट्स का जो नंबर है वो और प्रभाग समिति की तुलना में सबसे ज़्यादा है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का खुलासा करना है, कुछ चीज़ें बतानी हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मुबरा कौसा में 42 केसेस अगर हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि लोगों को पता है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे कि मुबरा कौसा एरिया अगर हम देखें तो ये 42 केसेस सिर्फ 10% ऑफ द एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। हमारा मुबरा कौसा 90% ऑफ द एरिया इज कोविड 19 फ्री। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप मोटा मोटा देखें तो अमृत नगर का एक पॉकेट, एमएम वैली का एक पॉकेट, चांद नगर का एक पॉकेट, इसी तीन पॉकेटों में देर आर अबाउट 30 केसेस। तो अगर 42 में 30 केसेस ये सिर्फ तीन पॉकेट में हैं, तो जिस प्रकार मुबरा को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि यहां इतने ज्यादा केसेस हैं ज्यादा, आई एम नॉट डिनाइंग इट, और ये चिंता की बाब है और इसमें हमको कड़क उपाय योजना लेने ही हैं, लेकिन 90% ऑफ द एरिया हमारे मुबरा कौसा का कोविड 19 फ्री है और उस 90% एरिया के जो लोग हैं, उस एरिया के जो एनजीओज हैं, उस एरिया के जो लोक प्रतिनिधि हैं, ये उनका श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने इलाके को कोविड 19 फ्री रखा हुआ है। ये तो हुई फिगर्स की बात जी। मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या महाराष्ट्र सरकार ने या केंद्र सरकार ने इस बीमारी के बारे में दी हैं, टीएमसी वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। आपको पता है कि जैसे ही कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले मुबरा प्रभाग समिति के लोग उस जाके बिल्डिंग को सील कर देते हैं। सील करने के बाद इमीडिएटली एक 250 मीटर का डायमीटर बनाया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं कंटेनमेंट जोन। ये कंटेनमेंट जोन में ऐसा होता है कि 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है, उस 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में हमारी जो सर्वेलेंस टीम है, हमारी जो हेल्थ टीम है, वो हर दिन आपके पास आती है और जो वहाँ के जो लोग हैं उनके हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि भाई आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। एक आपके माध्यम से मुझे लोगों को ये अपील करना है कि हमारी जो टीम आ रही है वो सिर्फ हेल्थ सर्वे कर रही है। एक तरफ मैंने मुबरा की तारीफ करी, दूसरी तरफ मुझे ये भी बोलना है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी इमारतें हैं और उन इमारतों में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारी हेल्थ सर्वे टीम को विरोध कर रहे हैं। हमारी हेल्थ सर्वे टीम में सब लेडीज़ हैं और ये अच्छा काम हमारी लेडीज़ कर रही हैं। वो आपके हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं,
वो आपके डिटेल्स ले रहे हैं और उन्हें आप बता नहीं रहे, उनके रजिस्टर के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसीलिए प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी और हमने अभी तक 4 केसेस कर दिए ऐसे शरारती तत्वों पर। इसीलिए मैं आपको वापस अपील करता हूँ कि हमारी हेल्थ सर्वे की जो टीम्स आती हैं उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए, आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। सो हमने अभी तक हमारे मुमरा में 11 कंटेनमेंट जोन है, हमने अभी तक 70,000 लोगों का सर्वे कर चुके हैं, हम हेल्थ सर्वे कर चुके हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि एक बार जब कोई पॉजिटिव पेशेंट डिक्लेयर होता है तो उसके इमीडिएटली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होते हैं 2 किस्म के, एक होता है हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है लो रिस्क कॉन्टैक्ट। जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होता है उसका मतलब क्या, मैं आज समझा देता हूँ आपको। 3 फीट के अंतर में अगर आप उस पॉजिटिव पेशेंट के पास रहे 6 घंटे के लिए तो आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज यू आर अ लो रिस्क कॉन्टैक्ट। जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं उन सबको हम इमीडिएटली भयंदरपाड़ा भेजते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लोगों के मन में ना एक अननेसेसरी ना एक खौफ हो रखा है कि भयंदरपाड़ा जा रहे हैं। अरे क्या वो कोई जेल है? वो जेल नहीं है, वो प्रॉपर हमारे रेंटल में हमें जो फ्लैट्स मिले हुए हैं वो है। और हर एक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या लो रिस्क कॉन्टैक्ट को 225 स्क्वायर फुट के घर में हम अकेले रखते हैं, उसे हम पूरा खाना देते हैं। और जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उनका हम टेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उनको दवाइयाँ भी देते हैं। एंड सेम अप्लाइज विथ लो रिस्क कॉन्टैक्ट, उन्हें हम कासर बड़वली भेजते हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, अगर आप लो रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, अच्छा एक ऑप्शन है होम क्वारंटाइन का, लेकिन हमारे मुमरा में जो घर हैं छोटे छोटे घर हैं, एक घर में 10-12 लोग हैं, होम क्वारंटाइन कहाँ पॉसिबल है जहाँ कि आप उस कॉन्टैक्ट को सेल्फ कंटेन्ड रूम दे सकते हैं, उस रूम के अंदर टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। तो ऐसे हमारे मुमरा में कितने घर हैं जिनके पास सेल्फ कंटेन्ड रूम है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसीलिए मैं वापस आपको अपील करता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट अगर आप कैटेगराइज हो जाते हैं, मनपा प्रशासन आपकी जवाबदारी लेता है और आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। और उसके बाद 14 दिन के बाद तो वापस आना ही है। सर ये ऐसी बीमारी है COVID-19 जिसकी अभी तो कोई दवा उपलब्ध नहीं हो पाई है, बनी नहीं है, तो ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए लोगों ने क्या खबरदारी बरतनी चाहिए, किस तरीके से इस पर अपने आप को रख करके उपाय योजना करना चाहिए? देखिए आई फुली एग्री विद यू कि मुमरा कौसा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है, रमजान भी चल रहा है, तो रमजान के मद्देनजर तो और भी लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे सर? देखिए ये कोई बुखार नहीं है कि डायरेक्ट मेडिकल में गए क्रोसिन की गोली खरीद ली जी, या आपको बॉडी पेन हो रहा है तो आप जाइए मेडिकल में और कॉम्बिफ्लेम की गोली खरीद लीजिए। देखिए ये जो बीमारी है ये एक नया वायरस है, कोरोना वायरस एक नया वायरस है, इस पर अभी तक संशोधन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में और हमारे राज्य में। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हम देते हैं, जैसे टैमीफ्लू है या और भी जो दवाइयां हैं, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनान एक दवाइयां हैं, ऐसे 4-5 दवाइयों को कॉम्बिनेशन करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। और इस बीमारी का जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पेशेंट की वजह से बाकी बहुत सारी तकलीफें होती हैं। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं आपके घर वाले, आपके घर वाले के कॉन्टैक्ट्स, उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ता है, आपकी वजह से पूरी बिल्डिंग सील हो जाती है। बिल्डिंग तो बिल्डिंग सील छोड़ दीजिए, पूरा कंटेनमेंट एरिया की बिल्डिंग सील हो जाती हैं। अमृत नगर में हमने 62 बिल्डिंग्स को सील किया, सिर्फ 15 पेशेंट्स की वजह से पूरा इलाका 14 दिन के लिए सील हुआ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़े से केयरफुल रहिए। अभी जैसे रफ़ी भाई आपने बताया कि रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, मैं तो बोलता हूँ ये ऊपर वाले ने हमें, जिसको बोलते हैं ना गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि रमज़ान में एज इट इज़ आदमी डिसिप्लिन्ड हो जाता है, उसकी लाइफस्टाइल में शिस्त आ जाती है। अब
जब हम शिस्त की बात करते हैं, जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, हमारा इस्लाम रिलीजन इतना बढ़िया रिलीजन है कि हमारे इस्लाम रिलीजन में जो डे टू डे आपने कैसे अपनी लाइफ जीना है, वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की जो लाइफस्टाइल थी उसके हिसाब से हमको जीना है। तो उन्होंने हमारे हदीस में क्लियर कट चीज़ें बता रखी हैं, सिंपल सिंपल बातें। अब जैसे हम नमाज के लिए जाते हैं, हम वजू करते हैं ना, हाथ मुंह धोते हैं, या हमारे हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसका ख्याल रखिए। अगर आपको दूसरे बीमार का ख्याल रखना है तो सबसे पहले आपको खुद बीमार नहीं होना है। तो यही तो सरकार भी यही बोल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, रेगुलरली हाथ धोते रहिए, अपना मुंह ढकिए। तो ये सारी चीजें जो आज हमें बताई जा रही हैं वो तो हमारे धर्म में ही लिखा हुआ है, तो हमें नया तो कुछ करना ही नहीं है। जो हम सालों साल पीढ़ी पीढ़ी हम करते आ रहे हैं वही हमको करना है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, जो हमारे धर्म में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं वही हमको फॉलो करना है। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, ये बीमारी के लिए आपकी खुद की जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, रोज सुबह उठ के गर्म पानी, हल्दी और नमक का गार्गलिंग कीजिए, जिसको मराठी में बोलते हैं गुड़ना। सिर्फ एक बार आपने करना है, गरारा करना। अगर आपके घर में वाफ लेना है, अगर आपके पास मशीन भी नहीं है, जैसे मेरे घर में मेरे बचपन में मशीन नहीं थी तो मैं क्या करता था, उस समय पतीला लेता था, पानी उबालता था, ऊपर से टावल रखता था और मैं वाफ लेता था, भाप लेना। ये तो आप कर सकते हो, दिन में सिर्फ एक बार गरारा कीजिए, वाफ लीजिए। और अभी तो हमारा रमज़ान चल रहा है, शाम को जब हम अपना उपवास छोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो हम फ्रूट्स खाते हैं। ऐसे समय में जो सिट्रिक बेस्ड फ्रूट्स हैं, खट्टे, जैसे कि संतरा हुआ, ग्रेप्स हुए या मौसम्बी हुआ, वो खाइए। आपको विटामिन सी की गोली खाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम एज इट इज़ हमारे फ्रूट्स खाते हैं, खट्टे खट्टे फ्रूट्स खाते हैं। ये अगर आपने तीन चीज़ की और हल्का फुल्का अगर आपने व्यायाम किया, जो कि ये चारों चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद, आप सब इसके विटनेस हैं रफीक भाई, मैं भी रोड पे घूम रहा हूँ, डे वन से मेरे दो टेस्ट हो चुके हैं, दोनों नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव हुए, क्योंकि मैंने अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा के रखा हुआ। मैं कोई दवाइयाँ खा नहीं रहा, ना मैं कोई विटामिन सी की गोली खा रहा हूँ, ना मैं कोई मल्टी विटामिन खा रहा हूँ, मैं सिर्फ सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, रेगुलरली हाथ धोता हूँ, मास्क पहनता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह गरारा करता हूँ, एक बार स्टीम लेता हूँ और फ्रूट्स खाता हूँ। और अननेसेसरी ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी चीज़ें मत खाइए। देखिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लाना है, बदलाव नहीं लाना है, ऐसे अचानक तेलकट खाना मत शुरू कीजिए। अगर आप हमारे रिलीजन में जो लिखा हुआ है गुड प्रैक्टिसेस वो आप फॉलो कीजिए, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखिए। मैं आपको बोलता हूं कि हमारे मुमरा के मुमरा वासियों को ये बीमारी हो नहीं सकती। सर, मुमरा एक डेंसिटी पॉपुलेशन वाला पूरा इलाका है, पूरा मुमरा कौसा, तो थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब यहाँ गुंजान आबादी की वजह से ये केसेस बढ़ती चली जा रही है, तो क्या ये एरिया का ऐसा बाइफर्केशन करना कहाँ तक ठीक है? अब थाने में तो बड़े घोड़बंदर जैसे इलाके में बड़े पॉश इलाके हैं, क्या बीमारी वहाँ नहीं फैली है सर? देखिए, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि अगर आप और प्रभाग समिति की तुलना करेंगे ना, तो वहाँ तो केसेस स्प्रेड हो गए, मेरे मुमरा कौसा एरिया में केसेस स्प्रेड नहीं हुए। और मैं अभिमान से बोलता हूँ कि मेरे मुमरा कौसा का जो स्लम एरिया है, संजय नगर, अंबेडकर नगर, जेपी सोसाइटी, गाँव देवी, एकता, यहाँ के लोगों ने एक उदाहरण दे दिया है। रशीद कंपाउंड, देवरी पाड़ा, इससे ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका तो पूरे थाना में कहीं नहीं है। यहाँ के लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया है, यहाँ के लोगों ने, अगर आप संजय नगर में आप जाएंगे तो उन्होंने जैसे गांव बंदी ऐसे ना ग्रामीण भागात, उन्होंने वैसे किया है, उन्होंने बाहर लॉक कर दिया है, वो बाहर वालों को अंदर आने नहीं दे रहे, अंदर के लोगों को बाहर जाने नहीं दे रहे। रशीद कंपाउंड जैसे एरिया जहाँ की लोग इकोनॉमिकली इतने पुअर है, जहाँ की लोग डेली वेज अर्नर्स हैं, आज लॉकडाउन की वजह से कितना वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हेल्थ की वो छोड़ी नहीं है। और ये पूरा मेरा इलाका अभी तक कोविड 19 फ्री है,
इसीलिए रफीक भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जी। हमारे मुमरा में 11 कंटेनमेंट जोन है, तो ऐसे सोचिए कि 11 इमारतें या 11 इमारतों में 42 पेशेंट्स निकले। मैं अभी ये जो 11 इमारतें हैं उनका 250 मीटर का डाया के सारे इमारतों को लॉक करने वाला हूं। आपको पता है भीलवाड़ा का एग्जांपल लिया जाता है, हमारे राज्य के मंत्री जयंत पाटिल साहब उन्होंने सांगली में बड़ा अच्छा काम किया, हमारे मंत्री महोदय हमारे साने कामदार आवाड साहब उन्होंने हमें ये निर्देश दिए हैं कि हम जैसे अमृतनगर में, अमृतनगर के ना मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देता हूं, 31 को पहला केस अमृतनगर में हुआ विघ्नहर्ता में, बाद में हमने दरगाह रोड का मार्केट बंद किया, 4 तारीख को सारी इमारतों को लॉक किया, उसके बाद से एक भी केस अमृतनगर का हुआ नहीं है। तो अगर आज लोग पूरे देश भर भीलवाड़ा का नाम लेते हैं तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है उस भीलवाड़ा के साथ मेरा अमृतनगर का नाम भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में 14 केसेस होते हैं उसके बाद 14 दिन में एक भी केस होता नहीं है, तो इसका पूरा जो श्रेय है वो उस लोगों के, उस भाग के लोगों का, और ऑब्वियसली उस एरिया के स्थानिक लोक प्रतिनिधि जो कि हमारे शानू पठान है उनको वो क्रेडिट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अमृतनगर जैसे एरिया में जहां 14 केसेस थे हमने सारे इमारतों को लॉक किया, टोटल लॉकडाउन किया, एक केस हुआ नहीं, इसीलिए अमृतनगर के एक्सपेरिमेंट से सीख लेते हुए हम अभी ये डिसीजन ले रहे हैं कि जितने भी 11 कंटेनमेंट जोन हैं हर बिल्डिंग का 250 मीटर का जो डायमीटर है वहां की इमारतों को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद चाबी चेयरमैन को पकड़ा देंगे, हम अपने पास चाबी नहीं रखने वाले, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस चेयरमैन की। और फिर हमारे मुमरा में कई भाजी विक्रेता हैं जो कि होम डिलीवरी करने के लिए तैयार हैं, कई किराना वाले होम डिलीवरी करने के लिए तैयार हैं, हम आपको आपके माध्यम से वो नंबर्स भी शेयर करेंगे। तो लॉक लग गया है ना, आपने किसी को अंदर आने देना है ना आपने खुद बाहर निकलना है, आपने फोन करना है सब्जी वाला आपके इधर आ जाएगा। और चलो सोचिए कि अगर सब्जी वाला नहीं आ रहा तो आपने ऐसा करना है कि सबने नीचे नहीं उतरना सब्जी खरीदने के लिए, पता चला रफीक के घर में रफीक की मदर, रफीक की वाइफ, रफीक की बच्ची भी निकल रही है, मेरे घर से 4 लोग उतर रहे हैं, ऐसे नहीं। चेयरमैन ने डिसाइड करना है कि भाई आज अपनी बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग के लोगों के लिए सब्जी खरीदनी है। देखिए ये ऐसा समय है कि 4 किस्म की सब्जियां खाने की जरूरत नहीं, हम एक ही सब्जी खाएंगे, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि चलो भाई 2 किलो भिंडी ले आते हैं, 4 किलो टिंडा ले आते हैं, फ्लावर ले आते हैं, और बाद में सब लोग बांट देते हैं। तो इसीलिए हर बिल्डिंग के 3-4 जो बॉय लड़के हैं चेयरमैन के साथ वो ही नीचे उतरेंगे। आप सोचिए एक टाइम में एक बिल्डिंग से 20-25 लोग उतरते थे, अगर सिर्फ 4-5 लोग नीचे उतरे तो कितनी कम गर्दी होगी। एक तरफ मुमरा की मैं तारीफ भी कर रहा हूं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं हमारे मुमरा के गलियों के जहां की इतनी भीड़ होती है कि सारे पेपर में यह सीधा बोला जा रहा है कि मुमरा मध्ये सोशल डिस्टेंसिंग 3:13। जब मेरे मुमरा के बारे में कोई ऐसे बोलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग 3:13 हो रही है, मेरी तो नाक कट जाती है, बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव ऑफिसर। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा मुमरा ऐसे गलत ढंग से रिपोर्ट हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मुमरा वाले दे आर वेरी सेंसिटिव, वो नियम के पक्के पालन करने वाले लोग हैं, खाली कुछ थोड़े शरारती लोग हैं, इसीलिए ये हम पहले डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा, हमारे कमिश्नर ऑनरेबल सिंगल साहब उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया आज ही सुबह कि जितने भी कंटेनमेंट एरिया हैं वहां वापस आप हेल्थ सर्वे कराइए, वहां रैंडम स्वाब कलेक्शन कीजिए, और अगर कुछ बीमारी का पैटर्न निकलता है तो वो समझिए, बिकॉज हमें किसी भी हालत में हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज हैं वहां नए केस होने हम नहीं देंगे। और लकीली जितने भी 11 कंटेनमेंट जोन हैं वहां नया केस हुआ नहीं है, नहीं है। कोई नहीं आ केस दिया। सर जैसे मैंने थोड़ा सा पूछा था आपसे कि ये डेंसिटी पॉपुलेशन और एक खुला इलाका, इसका जो फर्क बताया जा रहा है, अन्य प्रभाग समितियों के भी आंकड़े हैं, पॉश इलाकों में जो है मरीज पाए गए हैं, लेकिन इस पर कोई होल्ला नहीं मचाया जा रहा है, और मुमरा को ही लेकर के बहुत होल्ला मचाया जा रहा है, वहाँ एज इट इज सोशल डिस्टेंस फॉलो करना मुश्किल होता है।
इसके बावजूद भी 90% ऑफ द मुमरा का एरिया ये कोविड 19 फ्री है। आप थोड़ा सा हाईफाई एरिया और प्रभाग समिति का देख लें, जाकि इमारतें 30-32 माले की हैं, स्प्रेड आउट हैं, वहाँ भी केसेस निकल रहे हैं। तो ये बोलना कि मुमरा डेंस है, कंजस्टेड है, वहाँ सिविक सेंस लोगों में नहीं है, इसलिए वहाँ बीमारी हो रही है, ये बात मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे डेंस इलाके में कोविड 19 नहीं है। सर, ऐसा पता चला है कि जहाँ पर टीएमसी अप्रूव्ड बड़े बड़े टावर है, जहाँ 2-2, 5-5, 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट के फ्लैट है और रहने वालों की संख्या 4-5-6-3 ऐसी है, उनमें भी केसेस निकले। देखिए, बात ऐसी है कि ये बीमारी कब हो सकती है। अब हो सकता है वो जो बड़े आलीशान घरों में रहने वाले हैं वो इंटरनेशनल ट्रैवलर हो सकते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा बाहर घूमते होंगे, हो सकता है वो ऐसे जगह गए होंगे जहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। बात क्या होती है, मेरा मुमरा जो कि कंजेस्टेड है, जहाँ के सालों सालों से जो कि मार्केटें छोटी छोटी गलियों में लगती हैं और उन गलियों की जब तस्वीरें पेपर में छपती हैं तो ऐसा लगता है कि मुमरा में सोशल डिस्टेंसिंग के 3-13 बज गए। सर, आखिरी बात, मुमरा बौसा में कोविड 19 का ये जो सब कुछ चल रहा है वो तो अपनी जगह ठीक है, अन्य बीमारियों से जो त्रस्त और पीड़ित लोग हैं, अब तमाम लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद है, कालसेगर फिर से ठीक है शुरू हो गया, लेकिन ये सभी लोग जो है कोविड 19 का टेस्ट करके आओ तो हम लेंगे, एक बात ये। दूसरी चीज, कमाने के लिए बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले आते थे, आज कोविड 19 के दौर में उन्होंने मोहरा से मुंह मोड़ लिया है। पेडियाट्रिक एक डॉक्टर नहीं है, बच्चों का एक डॉक्टर नहीं है, एस एम सिद्दीकी का केस होने के बाद से। तो ऐसे हालात में जो है हार्ट के पेशेंट से, शुगर के पेशेंट से, डायबिटिक जो है, फिर ये पेडियाट्रिक की केसेस है, इनके लिए डॉक्टर्स ही नहीं मिल रहे और अस्पताल वाले केसेस भी नहीं ले रहे सर, तो इस पर आप जो है मनपा प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठवाएंगे और लोगों को क्या राहत पहुंचाएंगे सर? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर वो पहले इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप ये प्रूव कीजिए कि आप कोरोना वायरस मुक्त हैं, तो ये तो अभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया है। क्योंकि होता क्या है, कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं हॉस्पिटलों में कि मरीज़ आया, उसे किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट शुरू किया, इन द मीन टाइम वो मरीज़ उस हॉस्पिटल में आने के पहले उसने प्राइवेट लैब में अपना सैंपल भेजा हुआ रहता है और बाद में प्राइवेट लैब का रिजल्ट आता है कि वो पॉजिटिव है, तो हॉस्पिटल वाले क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये कोविड 19 नहीं है तो उसको जनरल वार्ड में रख देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो कोविड 19 का पेशेंट निकला, पॉजिटिव निकला, तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए हॉस्पिटल लोग ये इंसिस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि आज इस कोविड 19 की वजह से और जो बीमारियाँ हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जा रहा, ये भी उतना ही सच है कि कोविड 19 हो रहा है, लेकिन कोविड 19 होने की वजह से और बीमारियाँ हो नहीं रही ऐसा नहीं है, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो 3 हेल्थ सेंटर्स हैं दे आर प्रॉपरली इक्विप्ड, इवन दो वो हेल्थ सेंटर्स आज की तारीख में दे आर वर्किंग मोर एज फीवर सेंटर्स, फीवर ओपीडीज दैन डूइंग क्यूरेटिव, लेकिन फिर भी जैसे मुमरा मेटर्निटी है तो वहाँ गायनेक रिलेटेड चल रहा है, पीडियाट्रिक चल रहा है। आपके अगर माध्यम से अगर मुझे ऐसे केसेस के बारे में पता चलता है तो मैं कलवा हॉस्पिटल और हमारे जो और रेफरल हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जितना हो सके हमारे मुमरावासी विदाउट ट्रीटमेंट रहेंगे नहीं, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सर, एक और प्रॉब्लम सामने आई है, कुछ डेथ हुई है इन दिनों में, तो अपने कलवा शिवाजी में मतलब वो बॉडीज ले गई और बॉडीज ले जाने के बाद में जो है उनके डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना सस्पेक्ट लिख करके दिया गया। अब सस्पेक्ट यानी सर कंप्लीट मतलब कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में जो है दफनाने के लिए और परिवार के मन को दोनों चीजों में बड़ी तकलीफें और वेदनाएं होती है, तो इस मामले में जो है लोगों का ऐसा कहना है कि अगर वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिख करके दीजिए, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो सस्पेक्ट लिख करके मत दीजिए। सर नहीं, मैं भी आपके मत से सहमत हूँ कि ऐसे संदिग्ध रिमार्क नहीं आना चाहिए, रिमार्क शुड बी वेरी क्लियर। तो ऐसे केसेस के बारे में मैं खुद हमारे जो डीन साहब हैं शैलेश्वर नटराजन और हमारे जो MOH हैं डॉक्टर माघावकर, उनसे बात करके ये आज के आज ये इश्यू सेटल करने का मैं प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर, एक और आखिरी सवाल है मेरा, मुमरा पौसा में रिक्शा चालक और मालकों की संख्या बहुत ज़्यादा है,
चालक मालक मिलाकर के हम पकड़ेंगे तो 15,000 से 17,000 लोग हैं आज भूखमरी के कगार पर है। इन्हें मदद करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासन की ओर से सर, क्या संभावना है? देखिए, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जब ये COVID-19 बीमारी शुरू हुई तो हमारे सानी कामदार और हमारे महाराष्ट्र राज्य के मंत्री माननीय अवार्ड साहब, इन्होंने खुद के इनिशिएटिव पे बहुत सारे कम्युनिटी किचन शुरू किए, काफ़ी अच्छे ढंग से चले भी और चल भी रहे। लेकिन ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मैं फुली आपसे एग्री करता हूँ कि हमारे मुमरावासी, उसमें कई से लोग जो रिक्शे पे चलते हैं, हाँ, आज वो भी एक प्रकार की भुखमरी देख रहे हैं। तो मैं हमें कुछ फूड ग्रेन्स मिला है और वो हमारा स्टॉक भी अवेलेबल हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से एक ऐसे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ रिक्शा वालों के लिए अगर आप कम्युनिटी किचन खोल सकते हैं तो सरकार की तरफ से, मतलब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, आपको ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हम आपको देंगे।